संस्कृति युवा संस्था और वर्ल्ड ट्रेड पार्क की ओर से इस साल एयू बैंक जयपुर मैराथन का 13वां संस्करण 13 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 22 गोदाम सर्किल स्थित 5x ओयो मेट्रोपॉलिटन एमजीएफ मॉल में प्री इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें एयू बैंक जयपुर मैराथन का इवेंट कैलेंडर का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र, सांसद रामचरण बोहरा, ज्योति खंडेलवाल, अनूप बरतरिया, पंडित सुरेश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, वर्ल्ड ट्रेड पार्क के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप बरतरिया ने बताया कि 13 मार्च को मैराथन से पहले 15 दिनों तक फिटनेस का सेलिब्रेशन होगा, जिसमें मेगा बूट कैंप, महिला दिवस अवार्ड, टॉर्च सेरेमनी, जयपुर रनर्स अवार्ड सहित कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मैराथन दौड़ बेसिकली आपकी और आपकी बर्थरिया जी की जो है, सुरेश जी की देन है शुरुआती दौर में। उसके बाद जब यात्रा चली तो लोग जुड़ते चले गए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट और बेसिक उसको जो ब्रांडिंग का काम है वो आप लोगों ने किया। स्पॉन्सर्स का अपना रोल है, लेकिन मेहनत जो है मिश्रा परिवार और बर्थरिया जी, यहाँ से शुरुआत हुई उस बात की और आगे भी इसी तरह क्रम जारी रहेगा। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, फर्स्ट इंडिया ग्रुप पूरे तौर पे आपके साथ हैं, हम आपको लाइव करेंगे और कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है। एक नागरिक के नाते जो सेंटीमेंट है जयपुर शहर का, उस सेंटीमेंट को फर्स्ट इंडिया जिएगा और उसी ढंग से इसको जो है हम आगे बढ़ाएंगे। मेरी शुभकामनाएँ और मौका लगा तो दौड़ में शामिल होने आएंगे। पिछले 13 वर्षों की एक लंबी यात्रा और 13 वर्षों में जयपुर का एक विशेष प्यार हम सबको मिला। जयपुर में दौड़ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी, लोग फिटनेस के प्रति अवेयर हुए और इस कोविड ने हमें सिखाया कि हमको फिट रहे बिना पार नहीं पड़ेगी। पिछले 13 साल में एयू बैंक जयपुर मैराथन ने अपने एक नए आयाम बनाए। वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति युवा संस्था ने छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया था वर्ष 2010 के अंदर और ये लगातार इस बार 13वां एडिशन हमारा होने जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से इतने वर्षों में इस मैराथन को जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला और पिछली बार भी हमारे 20 देशों के धावकों ने इसमें भाग लिया था, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से हो सकता है कि विदेश के धावक कम आ पाएँ, लेकिन हमारे देश के धावक बड़ी संख्या में आने वाले हैं। 2010 में वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति ने जब ये शुरुआत की तब हमने सोचा था ये जयपुर को एक नया त्यौहार मिलने वाला है और जयपुर वासियों ने जितना बढ़ चढ़ के जयपुर मैराथन में भाग लिया उससे पूरे विश्व में मैसेज गया कि जयपुर बहुत ही हेल्थ अवेयर सिटी है और लेट्स मेक जयपुर ग्रेट। और जयपुर को ग्रेट बनाने में हेल्दी जयपुर, उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है और मैराथन उसका सबसे अच्छा सबूत है। लोग इसमें आते हैं, इसकी तैयारी करते हैं और पूरे विश्व से लोग आके इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, केन्या, इंग्लैंड, बहुत से कंट्रीज से हमारे जयपुर मैराथन में पार्टिसिपेशन है और 1 लाख का रिकॉर्ड छोटा नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैराथन्स इन द वर्ल्ड और मैं आशा करता हूँ कि इस बार 13th एडिशन है, 13th मार्च को है। इट इज़ गोइंग टू बी अ लकी 13 एंड आई फील कि जयपुर मैराथन इस बार भी एक नया रिकॉर्ड 1.5 लाख लोगों के पार्टिसिपेशन का क्रॉस करेगा। ये मैराथन हो रही है और इस बार 13वां एडिशन एयू बैंक फाइनेंस के माध्यम से हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि सुरेश मिश्रा जी ने, पूरी टीम ने, जैसा वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति ने इसको काम को हेड हाथ में लिया और आज गत बार जो मैराथन हुआ उसमें 1,10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिट इंडिया तभी हो सकता है जब हम फिट हों, हम खुद फिट होंगे तो फिट इंडिया होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस मैराथन के माध्यम से लोगों ने अपने 12 जब से मैराथन चालू होती है और ख़त्म होती है उसी दिन से वापस दौड़ने का प्रयास चालू करते हैं और उस हेल्थ के प्रति अवेयरनेस का जिस प्रकार का जो हाथ में लिया है जयपुरवासियों ने। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि पहले सर्दी में था, अब इस बार गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड में ये मैराथन होगी।